नमस्कार साथियों, आयुर्वेद में भस्मों का, पिष्टियों का बहुत ही महत्व है। उसमें से एक है मोती पिष्टी। इस वीडियो के अंतर्गत इसकी जानकारी, इसके फायदे तथा किन बीमारियों में किन औषधियों के साथ इसे लिया जाता है, यह सब मैं बताने का आपको प्रयास करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। आयुर्वेदिक ग्रंथ रस तरंगणी में लिखा है, अग्निपुटी मोती भस्म की अपेक्षा मोती पिष्टी अधिक गुणदायक है। अग्नि संयोग न होने के कारण मोती पिष्टी भस्म से ज़्यादा सौम्य होती है। गुलाब जल में 21 दिन घोटकर छाया में सुखाने से और भी सौम्यता आ जाती है। अग्निपुटी भस्म की अपेक्षा इसका प्रयोग विशेष हितकर है। यह पिष्टी नेत्र रोग, धातु क्षीणता, क्षय, उरह सत, हृदय की निर्बलता, काश, श्वास, जीर्ण ज्वर, उन्माद, रक्त पित्त, दिमाग की कमजोरी, सिर दर्द, पित्तवृत्ति, दाह, प्रमेह और मूत्रकुच्छ आदि को दूर करती है। इसके सेवन से पित्त की तीव्रता और अम्लता कम होती है तथा नेत्र की ज्योति बढ़ती है। शीत वीर्य होने के कारण यह मूत्र मार्ग एवं सर्वांग दाह और पित्त वृद्धि को रोकती है। अनिद्रा रोग में मोती पिष्टी ये यथेष्ट लाभ होता है। लाभकारी अनुपात, नेत्र का बार बार दुखना तथा लाल होकर गर्म गर्म आंसू गिरना आदि पित्त लक्षणों में मोती पिष्टी का सेवन मक्खन या त्रिफला घृत के साथ करना अत्यंत लाभदायक होता है। धातु क्षय से रसादि धातुओं का अनुलोमन क्षय समझना चाहिए। रस क्षय प्रायः दुष्ट जल से उत्पन्न होता है। इसमें बार बार पतले दस्त होकर रोगी क्षीर्ण हो जाता है एवं मुंह में छाले पड़ जाते हैं और समस्त शरीर में दाह उत्पन्न हो जाता है। ऐसी अवस्था में मोती पिष्टी और प्रवाल पिष्टी का मिश्रण गुलुकन से देना विशेष हितकर है। क्षय रोग में मोती पिष्टी का उपयोग शीतलोपलादि चूर्ण के साथ करने से रोग की प्रथम अवस्था से तृतीय अवस्था तक लाभ होता है। दाह, बेचैनी, अधिक ज्वर, तृषा आदि पित्त प्रधान लक्षण हो तो मोती पिष्टी विशेष एवं निश्चित रूप से लाभ करती है। उरह शत में चमनप्राश के साथ मोती पिष्टी सर्वश्रेष्ठ औषधि है। एक तोला शुद्ध मधु से चाटकर ऊपर से अर्जुनारिष्ट या अर्जुनाघृत मिलाकर दूध पी लेना चाहिए। मोती पिष्टी 50 मिलीग्राम से 125 मिलीग्राम तक रोगी को रोग के अनुसार देना चाहिए। कहाँ पर मिलेगी मोती पिष्टी? आपको किसी भी आयुर्वेदिक औषधि की दुकान पर उपलब्ध हो जाएगी। यदि ऐसा आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। यह जानकारी वैद्यनाथ प्रकाशन पुस्तक आयुर्वेदीय औषध सेवना विधि से ली गई है। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है, उपयोगी लगी है, तो कृपया हमारे चैनल से जुड़ें। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।